गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं MR मिल्की, ऑनलाइन मिल्की सर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज फिर से मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके हाजिर हूँ, मैथमेटिक्स पार्ट नंबर 3 में, जिसमें आज आपको बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है और इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, जिसको एक्सप्लेन करेंगे और इस पे जो कॉम्पिटिशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी सॉल्व किया जाएगा। और एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि बीच बीच में कुछ ऐसे आपको ट्रिक बताया जाएगा कि उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, जिससे ये प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है ये पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हर एक कंपटीशन में सवाल आता दिया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉफिट और लॉस का जो मुख्य इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, प्रॉफिट एंड लॉस जो आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस यानी इसका हिंदी होता है लाभ और हानि, जो इम्पॉर्टेंट इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है देख लीजिए क्या है। फर्स्ट पॉइंट है लाभ यानी प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका इंग्लिश में देख लीजिए, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो लाभ इक्वल टू क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट का को हम जो है सिंबल देंगे P और सेलिंग प्राइस का सिंबल जो देंगे SP और कॉस्ट प्राइस को CP, यानी P इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, इसी तरह देखेंगे कि एक्चुअली में प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, तो देख लीजिए पॉइंट नंबर 2 क्या है, यदि सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कास्ट प्राइस से। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कास्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, और यदि कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से, यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से, तो क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे L लॉस को डिफाइन करने के लिए डिनोट किया जाता है L से। ठीक है, लॉस L इक्वल टू CP माइनस SP, यानी लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, देख लीजिए कि ये जो सिंबल है बड़ा, इस पे देख लीजिए सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कब ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस इधर ज्यादा है यानी जिधर मुंह ओपन है उसको हम ज्यादा मानेंगे। ठीक है, माना जाता है, तो ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, यानी जिधर मुंह निकला है, निकला रहता है, ओपन रहता है, वो क्या है, वो बड़ा होता है अपने सामने वाले से। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, देख लीजिए कि दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल कॉस्ट प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखेंगे इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है जिसको 100 रुपीज में खरीदा गया है और सेलिंग बेचा गया है कितने, 120 में, तो क्या होगा, 20 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, 20 रुपीज का क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे ही देखिए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपीज को हमने बाय किया, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, और 100 रुपीज में सेल भी कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, न प्रॉफिट होगा न लॉस होगा। लेकिन अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है, कि 100 रुपीज में कोई प्रॉफिट हमने खरीदा है और सेलिंग कर दिया है 80 रुपीज में, तो क्या होगा, 20 रुपीज का इसमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या है, अगर यही प्रॉफिट और लॉस पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या
कितने परसेंट का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो इसके लिए फार्मूला देख लीजिए क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज में पूछ रहा है, इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, देख लीजिए फर्स्ट फार्मूला इसमें क्या बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा है, तो परसेंटेज में तो क्या कैसे निकालेंगे। फर्स्ट फार्मूला आपका ये बन रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज में पूछ रहा है इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और सेकंड जो फार्मूला बन के आ रहा है लॉस अगर परसेंटेज में पूछ रहा है इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है दोस्तों, ये जो फार्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हमने बताया, इसको आप एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और इस पे हम आगे फिर से आपको क्वेश्चन जो सॉल्व कराने जा रहे हैं उसको भी, जो बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है इस जिस बेस पे और पूछा गया जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराने जा रहे हैं आपको, तो प्लीज़ उसको भी ध्यान। दोस्तों देखिए, जो कंपटीशन में पूछा गया जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हमने फार्मूला और इम्पोर्टेंट कुछ आपको ट्रिक बताए हैं उसी पे, उसी बेस पे ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देख लिए क्वेश्चन क्या है कि रोहन एक घड़ी रुपये 500 में खरीद कर उसको 600 में बेच दिया, तो कितना परसेंट जो है उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यानी दिया है, क्या बोल रहा है, देख क्या दिया है, देख लीजिए कि बाई यानी खरीद कर, यानी वो खरीदा है, यानी कॉस्ट क्या है उसका घड़ी का 500, यानी सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 500। ठीक है, और ये बोल रहा है कि वो बेचा है कितने में, 600 में। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस कितना है 600 में वो बेच दिया है। तो पूछ रहा है कितने उसको परसेंटेज का, कितने परसेंटेज का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो देख लीजिए, यानी प्रॉफिट का हमने फार्मूला पढ़ा है ना, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या है 600 माइनस क्या है 500। ठीक है, तो इक्वल टू क्या होगा 100, यानी 100 रुपीज का वो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब इसको प्रॉफिट इन परसेंटेज जो कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट इन जो है परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि प्रॉफिट इन परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो देख लीजिए आपका क्या दिया है, प्रॉफिट कितना हुआ है 100 रुपीज बाय कॉस्ट प्राइस क्या है उसका 500 इनटू क्या है 100। ठीक, ये 0 0 कट गया, ये भी 0 0 कट गया। ये इसमें यानी क्या करेंगे, अब बच गया आपका 100/5, तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी कितने प्रॉफिट हुआ आपका, जो आंसर आया आपका 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक दोस्तों, आशा है कि आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। ठीक है, सेम उसी तरह एक और क्वेश्चन दे रहा है, तो इसमें हानि पूछ रहा है। ठीक है, मोहन 1000 रुपीज में मोबाइल खरीद कर उसको 800 रुपीज में बेच दिया, तो कितने परसेंटेज जो है इसका हानि हुआ, यानी लॉस हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या क्या दिया है पहले हम लिख लेंगे, क्या क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस दिया है कितना 1000। ठीक है, और बेचा है कितने में, जिसको सेलिंग प्राइस बोलेंगे, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 800 रुपीज। ठीक, तो ये बोल रहा है
कि अब हम सबसे पहले इसको लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे। एल लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस क्या होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपको दिया है कितना, 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200, क्या हो गया, ये आपको लॉस हो गया। ठीक है, ये अब इसके बाद बोल रहा है कि परसेंटेज, इसको लॉस परसेंटेज में निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे हम, यानी लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो अपना क्या आया है, लॉस कितना आया है, 200। लॉस अपना कितना आया है, 200। ठीक है, इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस जो दिया है अपना 1000, इंटू क्या करना है, 100। ठीक है, तो देख लीजिए, 1 2 3 1 2 3 हाँ, यानी बचा कितना, 20। ठीक है, यहाँ पे उसको 20% का जो है क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस। ठीक है, ये आपका आंसर आया, 20% का उसको लॉस हुआ। दोस्तों उम्मीद है कि आपने ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है जो इससे हटके है, उस पर प्लीज ज्यादा ध्यान दीजिए, उस क्वेश्चन जो दो क्वेश्चन बताने। हाँ दोस्तों देखिए, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लक्की 20 रुपए में 22 संतरा खरीद कर 22 रुपए में 20 संतरा बेच देता है, तो लक्की को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, देख लीजिए एक बार, लक्की 20 रुपए में 22 संतरा खरीद कर, उसको खरीद कर 22 रुपए में 20 संतरा बेच देता है, तो लक्की को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, इसके लिए ये कंपटीशन में बार बार ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए इसको सॉल्व करने का क्या मेन ट्रिक है। देख लीजिए, तो सबसे पहले इस पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा जाता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिखा जाता है, उसके बाद उसका प्रोडक्ट का प्राइस लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये इधर कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है और नीचे सेलिंग प्राइस। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या है, पहले क्वेश्चन में देखेंगे हम, ये पहले इधर जो दे रहा है यहाँ से यहाँ तक कि 22 संतरा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे 22 संतरा, क्या लिखेंगे, 22 संतरा। ठीक, और कितने में क्या रेट है उसका, 22 संतरे का 20 रुपये। ठीक, और जो दूसरे जगह दे रहा है, ये दे रहा है आपको यहाँ से, ये दे रहा है, ठीक है, कि 20 संतरा, फिर जो है यहाँ प्रोडक्ट है 20 संतरा है, 22 रुपये में बेच देता है, तो यहाँ पे प्राइस 22, ठीक, 22 रुपये में बेच देता है। तो इसको देख लीजिए क्या करते हैं, इसको लिख के यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा प्राइस, उसके बाद इसको क्या करते हैं, 3x मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, यानी 22 इंटू 22, ठीक है, 22 इंटू 22, उसके बाद फिर जो 20 इंटू 20 में जो है मल्टीप्लाई फिर हो रहा है, तो यहाँ पे बीच का सिंबल हमेशा माइनस रखा जाता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में हमेशा सिंबल माइनस रखा जाता है, यानी 20 इंटू 20। ठीक है, और बटा ये जो लास्ट का है 20 इंटू 20 कर दिया जाता है, 20 इंटू 20। ठीक, तो इंटू क्या परसेंटेज पूछा है ना, परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ है या लॉस, इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि 22 इंटू 22 ये ज्यादा है 20 इंटू 20 से, ये ज्यादा है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस में आएगा वो, अब अगला क्वेश्चन जो ध्यान से देखिएगा उसमें क्या ट्रिक रहेगा। ठीक, तो इसको जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 484
माइनस 400, ठीक, बटे 400 इंटू 100, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक। उसके बाद 484 में 400 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 84, ठीक है, क्या होगा 84 और नीचे क्या बचा है 4, ठीक है। तो ये कट करेंगे तो ये 4 टू जा 8 और 4 वन जा 4, यानी क्या आया है, इसका आंसर प्लस में आया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 484 का जो वैल्यू ज़्यादा है किससे, 400 से, ठीक है। तो ये क्या आया, ये प्लस में आया, यानी प्लस का मीनिंग ये हुआ उसको 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक, 22 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो अगला जो है क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि इसमें अलग ट्रिक है, ठीक है, इसमें बेस यही है और देख लीजिए उसको, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कैसे है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो देख लीजिए, राजू 15 रुपये में 6 अमरूद खरीद कर 5 अमरूद 5 रुपये में 4 अमरूद बेच देता है, तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। एक बार देख लीजिए, राजू 15 रुपये में 6 अमरूद खरीद कर 5 रुपये में 4 अमरूद बेच देता है, तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या लॉस, ठीक है। देख लीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देख लीजिए। तो यहाँ हमने क्या बताया ना, ये लिखना है हमेशा आपको प्रोडक्ट, इधर प्रोडक्ट लिखना है और एक तरफ इसका प्राइस, प्राइस, ठीक है। तो प्रोडक्ट पहले में यहाँ से देखेंगे, प्रोडक्ट क्या है 6, ठीक है, जो अमरूद है वो 6 है ना, और ये कितना उसका प्राइस है 15, ठीक है। और दूसरे में क्या कर रहा है वो, दूसरे में कि 4 प्रोडक्ट है अमरूद और कितने में बेच रहा है 5 रुपये में, तो हमने बताया इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए ये हमेशा ऊपर लिखेंगे, यानी 6 × 5, उसके बाद क्या रहेगा माइनस, माइनस बताया ना बीच में, जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताया था 4 × क्या है 15, ठीक है, बटा क्या हमने बताया था आपको, जो लास्ट वाला मल्टीप्लाई का उसी को बटा कर दिया जाता है 4 × 15, और परसेंटेज में पूछ रहा है कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो गया लॉस, इंटू क्या कर देंगे 100, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये 6 × 5 = 30 माइनस 15 × 60, ठीक है, बाय क्या होगा ये 4 × 15 यानी 60 × 100, ठीक है। तो इसको देख लीजिए यहाँ पे ये क्या वैल्यू है, यानी हमने क्या बताया था क्वेश्चन 3 में था कि ये वैल्यू, ठीक है, ज्यादा था इस वैल्यू से, इसके लिए जो आंसर आया वो प्लस में आया था तो प्रॉफिट हुआ, और इस क्वेश्चन में ये जो हमने बता रहे हैं इस क्वेश्चन में ये 30 कम है 60 से, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस आने का मतलब ये हो गया कि उसको लॉस हुआ, ठीक है। देख लीजिए सॉल्व कर लेते हैं, इसका टू क्या होगा 30 में से 60 जाएगा तो माइनस क्या होगा 30/60 × 100, ठीक। तो ये आपका ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, और आपका टोटल बचाइए 300, ठीक है, 300/6, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका 6 × 5 = 30, और ये हो गया ये आपका एक जीरो बचा, जीरो ले लिया, यानी ये 50 क्या आएगा माइनस, ये 50 माइनस, तो इसका मीन्स हो जाएगा ये जो है
राजू को क्या है, राजू को लॉस हुआ कितना, राजू को लॉस हुआ कितना, 50% का राजू को लॉस हुआ। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस पे और क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, तब तक इसको आप ध्यान से एक बार फिर रिपीट कर लीजिए क्वेश्चन को, और एक बार ध्यान और रखिए कि बिना नोटबुक और पेन के आप जो है न बैठिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उसको रिपीट करना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स को, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, और लाइक भी कर दे यार, थैंक यू।